हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राउड मम्मी। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी वीक 38। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उस पर इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, 38 वीक यानी कि आपका ये ऑफकोर्स आपका लास्ट मंथ चल रहा है, नाइन्थ मंथ चल रहा है और ये आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है। क्योंकि अब वीक 38 स्टार्ट हो चुका है तो कुछ मम्मीज ऐसे भी होंगी जिन्होंने कि ऑलरेडी बेबी को डिलीवर कर दिया है, तो उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको बेबी केयर से रिलेटेड कोई भी इशू हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी एंड उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि किन चीज़ों को आपको थोड़ा इस टाइम पर ज़्यादा ध्यान रखना है और किन चीज़ों को आपको थोड़ा सा इग्नोर भी करना है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बेबी की। तो बेबी की इस टाइम पर जो लेंथ है वो है लगभग 18 से 19 इंचेस। जैसे कि पिछले कुछ वीक से मैं आपको बता रही हूँ कि अब बेबी की जो लेंथ है वो बढ़ेगी नहीं है, लेकिन जो बेबी का वेट है, क्योंकि अब वो ग्रेजुअली गेन हो रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली गेन हो रहा है, तो इस टाइम पे जो बेबी का वेट है वो है 3 किलो से लेके 3 किलो 300 ग्राम तक, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक वीडियो में बताया था कि इस टाइम पे बच्चा हर दिन जो है वो अपना 30 ग्राम्स वेट गेन करता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या क्या इस हफ्ते बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अब जो आपका बेबी है वो फुली डेवलप्ड हो चुका है। हाँ, वो बिल्कुल इस टाइम पर मैच्योर है बेबी, और अब वो अगर कभी भी डिलीवर होता है तो उसको कोई लाइक परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दो चीज़ें हैं जो अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुई हैं, एक है उसका ब्रेन और दूसरा है उसके लंग्स। जो लंग्स हैं वो बहुत जल्दी उसके मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन जो ब्रेन है वो लगभग 2 से 3 साल की उम्र तक जो ब्रेन है वो डेवलप होता रहता है, राइट। उसके अलावा इस टाइम पे जो उसकी बॉडी पे जितने भी लेनोवो हेयर्स थे, जो छोटे छोटे से बाल रहते हैं बच्चे के, वो भी अभी तक पूरी तरह से ऑलमोस्ट निकल चुके होंगे, और जितना एमनियोटिक फ्लूड है जो पानी बच्चे के आसपास रहता है उसी में वो मिल जाते हैं। साथ में जो वर्निक्स एक कोटिंग होती है क्रीमी सी, आपने अगर कभी न्यूबॉर्न बेबी को देखा है तो उसमें बर्थ के बाद भी वो थोड़ी बहुत रहती है, तो वो भी इस टाइम तक उतर चुकी है और बच्चा वही यू नो मुँह में स्वेलो कर रहा है। और इस टाइम पर जो उसका बाउल है वो बिल्कुल फुल है, एंड जब वो इस दुनिया में आएगा तो वो पहले 24 घंटों में अपनी फर्स्ट जो पॉटी है वो पास करेगा, जिसको कि मैकोनियम बोलते हैं, जो कि इनिशियली बिल्कुल ब्लैक कलर की होगी, फिर जैसे जैसे बच्चा फीड लेता रहता है फिर वो हल्की यू नो ग्रीनिश एंड देन लाइट कलर में आ जाएगी, राइट। एंड फ्रेंड्स, अगर आपका लाइक अब क्योंकि आपका 38 वीक चल रहा है तो अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, तो फ्रेंड्स जो ये ड्यू डेट रहती है जो कि डॉक्टर्स आपको देते हैं, वो एक डेट रहती है कि उसके बाद अगर बेबी होता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऑल दो 1-3 दिन ऊपर होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चा जो है वो बढ़ रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी जो शरीर की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है, जो कि अब आप पूरा नहीं कर सकते। एंड जो प्लेसेंटा था जिससे कि उसको यू नो जितने भी न्यूट्रिशंस जाते थे उसमें जो ब्लड वेसल्स थे वो भी बंद होने शुरू हो गए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी ड्यू डेट तक या उसके 1-3 दिन ऊपर अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेबी डिलीवर हो जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस हफ्ते आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या यू नो सिचुएशंस है, क्या क्या इश्यूज है जो आपको इस टाइम पे फेस करने पड़ रहे होंगे, एंड कौन सी ऐसी सिचुएशंस है। लास्ट वीक की वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन इस हफ्ते मैं आपको रिमाइंड कर दूंगी कि कौन सी सिचुएशन है जो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है लाइक जो इस टाइम पर आपके मेंटली जो आपको स्ट्रेस इन दिनों ज़्यादा फील हो रहा होगा, क्योंकि अब टाइम पास आ रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे डिलीवरी होगी, क्या होगा, लाइक अगर स्पेशली आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है कि कैसे पेन होगा, ठीक होगा बेबी, ठीक होगा नहीं होगा, नेगेटिव थोड़े थॉट्स आएंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए एंड इतना स्ट्रेस मत लीजिए, राइट। ट्रस्ट में सब बहुत इजीली हो जाएगा, एंड जैसे ही आपका बेबी आपके पास आएगा जस्ट आप उस मोमेंट को ध्यान में रखिए एंड स्ट्रेस प्लीज़ मत लीजिए। आई नो कि ये कहने से नहीं होता है, वो मन में आता ही है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जस्ट थिंक पॉजिटिवली एंड ये जो आपके सिर्फ अब जो 2-3 हफ्ते रह गए इनको फुली इन्जॉय कीजिए, लाइक ये भी एक बहुत यू नो एक ऐसी जर्नी है कि जो हमेशा मदर ज़िंदगी भर तक कभी भी नहीं आई डोंट थिंक कि कोई भी भूल सकता है, तो बाद में आप ये मोमेंट
बहुत मिस करोगे जब बेबी आपके टमी में था, तो आप इसको अच्छे से यू नो संभाल के रखिए। और अगर आपने मैटर्निटी शूट या इस तरह से कुछ नहीं करवाया तब भी आप घर पे लाइक कुछ प्लान कर सकते हैं और अच्छा सा कोई यू नो फोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है वो क्लिक कर सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो बाद में जब आपका बेबी आ जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप उसको फिर दिखा सकते हैं, राइट। इसके अलावा फ्रेंड, जैसे अब तक आपके बेबी का हेड डाउन आ गया होगा, तो उससे आपको खैर इस चीज़ में तो काफ़ी रिलीफ मिल रहा होगा कि जो आपका यू नो सांस लेने में दिक्कत होती थी, खाने में दिक्कत होती थी, इन सब चीज़ों से आपको डेफिनेटली रिलीफ मिल रहा होगा। लेकिन क्योंकि अब बेबी नीचे आ गया है, तो सोने में, चलने में यू नो इस तरह से आपको काफ़ी दिक्कत आ रही होगी, बट डू नॉट वरी, अब टाइम वैसे ही नज़दीक आ गया है। तो इसके बाद है जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इस टाइम पे ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि वही चीज़ है, बेबी का हेड नीचे आ गया तो आपके ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना वेट आप कैरी कर रहे हो तो वो सारा प्रेशर आपके ब्लैडर पे पड़ रहा है, जिससे कि बार बार आपको यू नो लग रहा है कि आपको टॉयलेट जाना है। तो ये आपको इस टाइम पर फेस करना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे स्वेलिंग है, राइट, इस टाइम पे लाइक हाथों में और पैरों में स्वेलिंग होना नॉर्मल है, बट अगर आपके पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है तो आप प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर आपका बाय चांस लास्ट टाइम पे बीपी भी हाई रहता है तो भी इस सिचुएशन में भी आप जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। एंड इसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि अगर आपका वाटर ब्रेक हो जाता है या फिर आपको पेन स्टार्ट होते हैं जो कि एक टाइम इंटरवल के बाद बार बार आ रहे हैं, तो इन सभी सिचुएशंस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीक के अपडेट, तो आई होप आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने हस्बैंड से, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय।